हेलो डियर गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो मनोज दे को तो आप जानते ही होंगे। और आपने इस वीडियो पर क्लिक इसीलिए किया है क्योंकि आप मनोज दे को जानते हैं। और मनोज दे का यह PNG मैंने जो अपने थंबनेल्स पर ऐड करके रखा है, इस PNG फोटो को देखकर ही आप आए हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनोज दे जो अपने PNG फोटोज को अपने थंबनेल पर ऐड करते हैं और उस पर कुछ इस टाइप से अपना शेडो यूज करते हैं, इस शेडो का नाम क्या है, इस शेडो को कैसे लगाया जाता है और हम किस टाइप से हमारे थंबनेल पर यूज करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो आपको फोटो को अपने थंबनेल पर लगाना तो आता ही होगा। ओके, पिक्सल लैब की हेल्प से आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मनोज दे जो अपने PNG फोटो को अपने थंबनेल्स पर लगाते हैं, उस PNG फोटो का नाम क्या है, कहां से हम भी इस टाइप से इस स्टॉक को लगा सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां पर सब कुछ आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप मनोज दे के जैसे अपने थंबनेल्स पर भी इस टाइप से स्टॉक को यूज कर पाएंगे। ओके, और स्टॉक का नाम सबसे पहले आपको बता देते हैं। इस स्टॉक का नाम है S06 और यह स्टॉक आपको देखने को मिलता है एक लम्बी एप्लीकेशन में। ओके, आपको एप्लीकेशन का नाम बता देते हैं। लम्बी कुछ इस टाइप से देखने में आता है, तो कुछ इस टाइप से दिखता है हमारा लम्बी एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को हमें सबसे पहले ओपन करना होता है और अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहां पर आपको सब कुछ बताऊंगा। सो डियर गाइज, अभी हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है आपको बता देते हैं। लम्बी एप्लीकेशन देखने में कुछ इस टाइप से लगता है। अब आपको यहाँ पर लम्बी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको शो होता है रिसेंट में। अब आपको यहाँ से क्या करना है, PNG सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने जो PNG बनाकर रखा है, अगर आपको PNG बनाना नहीं आता है, और PNG का मतलब आपको सबसे पहले बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो आप अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा लेते हैं। तो फोटो के बैकग्राउंड को हटाने के बाद उस फोटो को PNG फोटो बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होता है, इसे सिलेक्ट कर लेना होता है। अगर आपको PNG बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दी गई है, उस वीडियो को देखकर आप फोटो को PNG बना सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। मैंने भी कुछ इस टाइप से PNG बना लिया है पहले मनोज देखे इस फोटो को। अब PNG बनाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको भी अपने फोटो को ऐसे PNG बना लेना है। फिर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर BG आपको शो होगा, BG लिखा हुआ। ओके, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टॉक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको कुछ इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप अलग अलग टाइप के स्टॉक से लगा सकते हैं और मनोज दे भी कुछ इस टाइप से ही स्टॉक लगाते हैं अलग अलग, और इन्हीं ऑप्शन में से ही मनोज दे भी अपने स्टॉक लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, S06 इस स्टॉक को आपको लगाना है। इस स्टॉक को लगाने के बाद यह लाइन आपको शो हो रही है यहाँ पर, तो इस लाइन को कम ज्यादा आप कर सकते हैं। स्टॉक आपको कितना रखना है आपको इस लाइन की हेल्प से पता चल जाएगा। स्टॉक आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर इतना स्टॉक रख लिया। अब हमारा स्टॉक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने थंबनेल पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको थंबनेल पर यूज नहीं करना आता है, फोटो को थंबनेल पर कैसे लगाए उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पर राइट का ऑप्शन शो होता है, तो राइट के इस साइन पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। डाउनलोड के इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह फोटो बनकर रेडी हो चुका है। अब आप अपने गैलरी में जाकर देख सकते हैं, यह आपका फोटो जो है यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर गैलरी ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमने भी इस स्टॉक को लगा लिया है। और दोस्तों, मनोज दे भी कुछ इस टाइप से इस स्टॉक को लगाते हैं। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कुछ इस टाइप से आप अपने फोटोज पर स्टॉक कैसे लगा सकते हैं मनोज दे के जैसे, और मनोज दे भी अपने थंबनेल्स पर इस स्टॉक को यूज करते हैं जिससे उनके थंबनेल एट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल दिखते हैं। आप भी अपने थंबनेल्स पर इस टाइप से स्टॉक को यूज कर सकते हैं एंड अपने थंबनेल्स को भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एंड मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है दया सागर दायमा। आपको आगे भी ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।